हैप्पी न्यू ईयर सो एक बहुत ही अच्छा ट्वीट मिला मेरे को एंड ये जो बुक है रेमिनेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर बहुत ही बेहतरीन बुक है बहुत बढ़िया बुक है तो इसका एक चैप्टर का एक हाईलाइट करके ट्वीट डाला हुआ था किसी ने तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू एंड ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जो यूजली बहुत बड़े प्रॉफिट बनते हैं इन किताबों के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तक पढ़ा है इज़ वेन यू सिट टाइट वेन यू आर इन प्रॉफिट अब होता क्या है कि जैसी प्रॉफिट आता है हम एकदम से बुक करके निकल जाते हैं कि यार हमें लॉस ना हो जाए मार्केट रिवर्स ना कर जाए बट जो लोग एक्चुअल में बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं वो दे नो हाउ टू से टन इट ठीक है तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है मैन हु कैन हु कैन बोथ बी राइट एंड सेट टाइट आर अनकॉमन आई फाउंड इट वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू लर्न बट इट इज इट इज़ ओनली आफ्टर अर स्टॉक ऑपरेटर हैज़ फर्मली क्राफ्ट ग्रैफ दिस दैट ही कैन मेक big money जब तुम्हें पता होगा ना कि तुम बहुत पैसा बना सकते हो इस position में बैठ के उसी टाइम ये कन्विक्शन आता है कि तुम प्रॉफिट में भी बैठे रहो ठीक है उसका अभी ये नहीं है कि तुम लॉस में हो और तुम ये सोच रहे हो कि नहीं अगर ये ऊपर गया तो तो मेरे को इतने रुपए बन जाएंगे या इतने पे निकालो नहीं भाई अगर लॉस में गलत जा रहा है तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड से बाहर आ चुका है तो टेक आ इन लॉस लॉस में बैठ के लॉस बड़ा होगा ठीक है दिक्कत ये होती है कि हम प्रॉफिट में नहीं बैठ पाते हम लॉस में बहुत देर तक बैठ जाते हैं लॉस झेलने की तो आदत है हम लोगों की लेकिन प्रॉफिट देखने की आदत ही नहीं है ऐसे हार्ट ब्रीट ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लगती है तो जब तुम्हें अपने सेटअप के ऊपर कन्फर्मेशन होगा जब तुम्हें पता होगा कि भाई ये यहाँ तक जाएगा अभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है तो बिग प्रॉफ़िट्स के लिए सेटअप्स पे आई डोंट थिंक कि सेटअप्स पे ज़्यादा काम होता है जब तुम्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट uh, चाहिए उसके लिए आई थिंक लाइक इकोनॉमिकल डेटा इकोनॉमिकल पॉइंट्स उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है तो उसका उसका ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम यहाँ पे इस लाइन में पढ़ के देख सकते हो इन अ बुल मार्केट योर गेम इज़ टू बाय एंड होल्ड अनटिल यू बिलीव दैट द बुल मार्केट इज़ नियर इट्स एंड टू डू दिस यू मस्ट स्टडी जनरल कंडीशन एंड नॉट टिप्स और स्पेशल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल स्टॉक देन गेट आउट ऑफ ऑल यू स्टॉक गेट आउट ऑफ आउट फॉर कीप्स वेट अनटिल यू सी और इफ़ यू प्रेफर इंटिल यू थिंक यू सी द टर्न ऑफ द मार्केट द बिगिनिंग ऑफ रिवर्सल ऑफ जनरल कंडीशन ठीक है तो उसने यही बोला है कि बुल मार्केट के अंदर जब मार्केट ऊपर जा रहा होता ना तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है कि स्टॉक को होल्ड करके कर रखो कर बाय एंड होल्ड इट और उस टाइम इकोनॉमिक uh, या फिर uh, आसपास के जो भी पेपर्स इकोनॉमिक डेटा रिलीज होता है दूसरे फैक्टर्स जो हैं इन सब के ऊपर ध्यान दो एंड जब उन ट्रेंड के अंदर गिरता हुआ ट्रेंड देखे, फॉर एग्जांपल इम्प्लॉय डेटा ठीक है एम्प्लॉयमेंट डेटा आता है एंड आरबीआई पॉलिसी जब आई उसके बाद इन्फ्लेशन uh, डेटा आता है तो इन नंबर्स के ऊपर ट्रैक रखो एंड जब तुम्हें लगे कि नहीं इकोनॉमिक अप स्लो डाउन हो रही है दैट इज़ वन यू एग्जिट ठीक है तो कितना लंबा टाइम फ्रेम है जो बहुत बहुत बड़ा पैसा बनता है डेट वो सिर्फ और सिर्फ बहुत लंबे टाइम पीरियड के तो ऊपर बनता है तो यू हैव टू सेट एंड होल्ड टाइट टू मेक वेरी बिग प्रॉफ़िट्स ठीक है दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेसन ऑफ दिस बुक और ये बुक हो सके तो भाई पी डाउनलोड करो पढ़ो जहाँ से पढ़ सकते हो बाय कर सकते हो बाय करो अपने आप को एजुकेट करो ट्रेडिंग के बारे में ट्रेडिंग के बारे में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में तुम्हें ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो एंड नीचे बताओ कि और कैसा कंटेंट देखना चाहते हो सो दैट्स इट टिल देन ट्रेड लाइक सीनो